अभी आईसीएआर ने एक गाइडलाइन इश्यूज किया है फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हो। तो मैं बता दूं आपको, जो वेटनरी हॉस्पिटल हैं वो भी खुले हुए हैं, और जो मंडीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से एसोसिएट हैं तो वो भी आपके लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए भी जो मंडीज और हैं वो खुली हुई हैं। और जो फार्म ऑपरेशन के रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि दूसरे स्टेट से एक दूसरे स्टेट में जानी है वो भी अलाउड। जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, जो फार्म मशीनरी की शेयरिंग के लिए जो हायर करके चलाती हैं वो भी अलाउड हैं। और पैकेजिंग और जो फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी अलाउड है। इसके बाद कुछ एडवाइजरी है फार्मर्स के लिए और थ्रेसिंग के जो क्रॉप का करेगा उसके लिए। पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, आपके अपने हाथ को, साबुन को हमेशा साफ रखना है। जो कपड़े आप वियर करें काफ़ी वास्ट हो और क्लीन हो और पूरी आपकी बॉडी को वो कवर कर लें, और पूरा प्रॉपर मास्क लगा के आप जाइएगा, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग का आप बहुत ही जो है ख्याल कीजिएगा। और ये ऑपरेशन आपको हर स्टेप पे करना है, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं फील्ड में उस हर स्टेप पर आपको ये जो है हाइजीन मेंटेन करना। अगर आप जैसे हार्वेस्टिंग मैनुअली आप सोचते हैं कि अपने खेत को काटना है, पिकिंग करना है, उसको बंडल बनाना है, तो याद रखिएगा कि जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप 3 से 4 फीट की जो है डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन करके ही वो काम की। और जो लोग भी कटाई के लिए खेत में जाते हैं ये इंश्योर करें कि उनका जो पूरा क्लोथ है कवर्ड है बॉडी, और वो प्रॉपर मास्क लगाए हुए। और काम खेत में काम करने के बाद जब आपको ये लगता है कि आप थक गए हैं और रेस्ट लेना चाहते हैं और कुछ खाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा प्रॉपर हाथ को साफ करना है, और ये खाते समय और रेस्ट करते समय भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ख्याल रखना है। 3 से 4 फीट की दूरी पे ही आप लोगों को कोशिशें कीजिए कि काम को आप बांट दीजिए, जिससे कि ये ना हो कि नंबर आप ज़्यादा लोगों की एक ही दिन आवश्यकता हो, तो कम से कम लोगों को फार्म पर आप एंगेज कराइए। कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी फैमिली लेबर्स, जो फैमिली में जो लोग हैं उन्हीं को आप एज ए यूज कीजिए फार्म ऑपरेशन के लिए। बाहर से किसी लेबर को हायर मत कीजिए क्योंकि आप उसकी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, उसके हेल्थ कंडीशन को नहीं जानते हैं, इसलिए किसी भी बाहरी आदमी को अवॉइड कीजिए यूज करने के लिए। और कोशिश ये कीजिए कि अगर पॉसिबल है तो मैकेनाइज इस टाइम पे हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का काम कीजिए, और लोगों को जो मैनुअल जो ऑपरेशन है उसको अवॉइड कीजिए, जिससे कि मैकेनाइज जब होगा तो जो लोगों की आवश्यकता कम हो। और जो भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं याद रखिएगा उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन, उसकी वॉशिंग बढ़िया से होना बहुत ही आवश्यक होता है एक प्रॉपर इंटरवल पे। और जो भी गनी बैग आप पैकेजिंग और व्हीकल लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए उसका भी सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। और जब आप जो प्रोडक्ट कलेक्ट हो जा रहा है तो उस कलेक्टेड प्रोडक्ट को याद रखिएगा कि छोटे छोटे हीप में रखिए, ना कि पता चले कि एक ही जगह सब आप अपने फार्म प्रोड्यूस को रख दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। थोड़े थोड़े हीप बनाइए 3 से 4 फीट के डिस्टेंस पे, और कोशिश ये कीजिए कि एक हीप को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लेबर को ही वहाँ पर इंगेज कराइए। और प्रॉपर सैनिटाइजेशन और क्लीननेस मशीन जो है उसकी बहुत ही आवश्यकता है ऐसे के लिए, जैसे जिसमें मान लीजिए आपका मेज है, ग्राउंड नट है, ऐसी फसलों में हम मशीन को शेयर करते हैं, तो उसके हर इम्प्लीमेंट्स को बहुत ही साफ रखने की जरूरत होगी, स्पेशली वो पार्ट जो पार्ट की बार बार लोगों के हाथ को टच करता है, तो उसको आप क्लीन रखिए विद सोप और सैनिटाइजर से। अब जब थ्रेसिंग होती है तो उस टाइम पे आपको क्या, जैसे फार्म ऑपरेशन पोस्ट हार्वेस्ट फार्म ऑपरेशन, जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं, विनोइंग कर रहे हैं, थ्रेसिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको याद रखिएगा कि आपको मास्क लगाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत से एरोजोल्स वहाँ पे होते हैं जो सीधा इंटर कर सकते हैं, तो जो एरोजोल हैं वो एक तरह से मीडियम है वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए। तो याद रखिएगा बिना मास्क के आप ये विनोइंग ऑपरेशन, थ्रेसिंग ऑपरेशन और ड्राइंग ऑपरेशन मत कीजिएगा। और कोशिश ये कीजिए क्या कि जो भी पल्स है, मिलेट्स है और ग्रेन्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से आप सुखा लीजिएगा, देन ओनली आप उसको स्टोरेज के लिए लेके जाइएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो प्रीवियस ईयर के आपने गनी बैग यूज कर रखे हैं उसको मत यूज कीजिए, जिससे कि उसमें इन्फेस्टेशन इंसेक्ट का हो, और यूज कीजिए ट्रीटेड गनी बैग एंड ड्राइड गनी बैग, और इसको जो कि ट्रीटेड होगा 5% जो नीम ऑयल का सोल्यूशन होगा उससे आप इसको ट्रीटेड होना चाहिए। और अगर आपको अच्छी प्राइस चाहिए तो याद रखिएगा आप जब भी फार्म प्रोड्यूस को वेयर हाउस में या कहीं स्टोर करते हैं तो प्रॉपर बैग में ही उसको पैक करके जो बताया गया जिस तरह से उसको करके करेंगे तो आपको बेटर प्राइस। और याद रखिएगा बहुत ही एडुकेट जो सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं अगर आप फार्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो पूरी जो सेफ्टी मेजर्स है उसको लेके ही आपको, जो फार्मर सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो चाहते हैं कि कंपनी को सीड को ट्रांसपोर्ट करना, तो उनको वो सीड का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही करना होगा, और पूरे प्रॉपर जो प्रिकॉशन फॉलो करना पड़ेगा जब आप पेमेंट रिसीव करें। जो भी सीड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लान पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनको सीड को अवेलेबल कराना है जिससे कि हम खरीद की आपको दे सकें। ये
जैसे मैं एग्जांपल दूं, SST सीट जो है बहुत ही रिक्वायर्ड होती है फॉर क्रॉप के लिए, जो कि अप्रैल में हमको सोइंग करनी होती है, और वो सीट आती कहाँ से है, साउथ से, नॉर्थ इंडिया में। और पूरे प्रोडक्ट विकासन की बहुत ही ज़रूरत है। जब भी अगर आप फार्मर्स हैं और चाहते हैं कि टमाटो जो ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रेश वेजिटेबल है, डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए, तो आपको पूरा प्रॉपर प्रिकॉशन आपको रखना है अपने प्रोड्यूस का और प्रोडक्ट का और आप अपने का भी। अगर आप जैसे कुछ क्रॉप्स अभी स्टैंडिंग हैं, जैसे वीट है, आपकी क्रॉप अगर स्टैंडिंग कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में अभी देखेंगे कि जो इस टाइम का टेम्परेचर चल रहा है वो लॉन्ग टर्म का जो टेम्परेचर है प्रीवियस एवरेज दिया जाए उससे काफ़ी कम है, तो जिससे ये माना जा रहा है कि 10 से 15 दिन की जो मैच्योरिटी है वो उसमें डिले होगी, जिससे मोस्ट ऑफ द जो भी हार्वेस्टिंग होगा, जो क्रॉप स्टैंड्स हैं वो जाएंगी 10 अप्रैल के बाद। तो कोशिश कीजिए कुछ डिले कर दीजिए अपने फार्म जो हार्वेस्टिंग का, ये जो जिससे क्या होगा कि आपको लॉजिस्टिक ऑपरेशन जो भी करने हैं उनमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, और ये माना जा रहा है कि इतना डिले करने से आपका सिग्निफिकेंट कोई लॉस नहीं होगा। जो पैडी ली जाती है साउथ इंडिया में, अभी ये देखा जा रहा है कि उसमें नेट ब्लास्ट का जो इन्फेस्टेशन नोटिस किया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको जो भी फंगिसाइड आप स्प्रे कर रहे हैं तो उससे पहले आप प्रॉपर प्रिकॉशन जो है सेफ्टी मेजर्स लेके कीजिए। और इन केस में अगर आपको ये हो रहा है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे रेन हो जा रही है, जिससे क्या होता है कि आपका सीड जर्मिनेट करने लगता है, तो उस केस में 5% साल्ट का आप क्या कीजिए, इस पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि आपका जो सीड का जर्मिनेशन होगा वो रुक जाए। अभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में क्या हो रहा है कि फ्रूटिंग स्टेज पे है, तो उस टाइम पे जब भी हम न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही केयर लेने की जरूरत है जब हम उस ऑपरेशन को कर रहे हों, तो पूरा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है उस टाइम पे। जो समर पल्सेज हैं राइस फैलो के बाद, वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वाइट फ्लाई का इंसिडेंस आ रहा है, तो जो भी आप मैनेजमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं तो पूरा प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ लेके कीजिए, जिससे कि एलो वैन मोजाइक जो वायरस का इंसिडेंस होता है उसको हम मिनिमाइज कर सके। तो ये थी कुछ गाइडलाइन जो ICAR ने अभी इशू किया है। तो किसान जो भी लोग हैं, आप इस वीडियो के माध्यम में चाह आप लोगों को बताऊं, और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो तो डिफरेंट जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके साइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, इवन ICAR की साइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, जिससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अपने फार्म ऑपरेशन को अच्छी तरह से कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।